It's time for some warm water. Morning में सबसे पहली चीज some lime water. Yeah. Guys, आज है 5th of Jan और मेरा है आज 4th day. और ये जो अजय ने रिकमेंड किया था ये डाइट प्लान है. ओके, तो इट्स टाइम टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. 30 मिनट के लिए जाना है. अभी 6 तो नहीं बजे हैं, 5:30 के आसपास का टाइम है, तो अभी ये वाला काम फिनिश कर लेते हैं हम. ओके, ओवर एंड आउट. देन चलिए, मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया है. और ये भाई छोटा मेरा, ये रोज वेट करता रहता है. आओ ब्रो, टाइम टू मॉर्निंग वॉक. सो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया. लाइक लास्ट के 8 बजे दूध पीने के बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट होती है 16 घंटे की, तो 12 बजे से पहले कुछ खा नहीं सकते इसमें. तो अभी एक स्कूप प्रोटीन की लेंगे और एक क्रिएटिन की. देन लेट्स गो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू हैव सम क्रिएटिन जैसे कि अजय ने रिकमेंड किया है डाइट से जस्ट 10 मिनट पहले. इट्स डिलीशियस मैन. तो गाइस, इट्स टाइम फॉर फर्स्ट मील. अभी क्या करना है, 12 से ऊपर टाइम हो गया. देन दो रोटी खानी है, कर्ड लेनी है और सैलेड. लेट्स गो फॉर दिस वन. तो मम्मा, आपको क्या लगता है, मेरा पेट कम हो पाएगा? हाँ, पक्का हो पाएगा. हाँ जी, चलो. अगर आप दो रोटी खाएंगे तो पेट अपने आप पक्का हो जाएगा. दो रोटी के साथ और क्या खाता हूँ? आधी किलो दाल, आधी किलो दही. आधी किलो दाल या आधी किलो दही, दोनों चीज. आज दाल नहीं खा ली ना इतनी. चलो ओके, ठीक है. तो कहाँ मेरा खाना? ये रखा हुआ थाली में. मेरी रोटी, ये रोटी भी बन गई. ओके, तो ये हो गई है दो रोटी, थोड़ी सब्जी और 500 ml दही. चलो लेट्स गो. सो गाइस, अभी टाइम हो गया प्री वर्कआउट का. अभी जिम जाऊंगा, एक स्कूप ओट्स का और एक स्कूप प्रोटीन. यार बहुत भूख लगी है, मतलब दो रोटी खाई हैं. जो बंदा 11 रोटी खा जाता हो
दो रोटी, पर क्या कर सकते हैं, एब्स का सवाल है। सो लेट्स गो फॉर प्री वर्कआउट। सो दीज आर द आउट्स, वन स्कूप, थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं इसमें, आई थिंक इतना काफ़ी होगा, हाफ ग्लास। अभी इसको रख देते हैं यहाँ, और ले लेते हैं प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन। सो 1 ग्राम एक स्कूप प्रोटीन की, और अभी देंगे 1 स्कूप क्रिएटिन की। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एब्स के लिए कटिंग कर रहा है और क्रिएटिन खा रहा है, तो भाई ये नॉलेज आप अजय से लो। मेरे को रिकमेंड किया गया कि 1 स्कूप प्रोटीन 1 स्कूप क्रिएटिन, ये मैंने ले लिया है, एंड वाटर, थोड़ा सा ओवर वाटर, और हमारे ओट्स भी होने वाले हैं, तब तक प्रोटीन पी लेते हैं। तो प्रोटीन हो गया फिनिश, आई थिंक ये भी बन गए हैं, यस ओट्स भी अपने रेडी है, अभी खाएंगे इनको। तो ये हो गया है प्री वर्कआउट मील, अभी जाएंगे जिम, जिम के बाद देखते हैं पोस्ट वर्कआउट मील को। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने जिम में, आजकल अकेले ही ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि अजय अभी इस वीक थोड़ा सा बिजी है अपने काम में, नेक्स्ट वीक से हम साथ में वर्कआउट करेंगे। कंपटीशन की तैयारी, आज का वर्कआउट यही फिनिश होता है। आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो शूट कर पाया चेस्ट वर्कआउट की, क्योंकि मेरा कोई जिम पार्टनर नहीं है अभी, नेक्स्ट वीक से आ जाएगा साथ में। तो लेट्स रॉक, आज के लिए इतना ही वर्कआउट, अभी चलते हैं पोस्ट वर्कआउट की तरफ। बाय बाय।
अभी हम पहुंचने वाले हैं सुमित भाई के पास। सुमित भाई ने बहुत हेल्प की है, एक हमेशा मैं उन्हीं से खाता हूँ। तो लेट्स गो, आज भी खाते हैं। सो हियर ही, तो ये हो गए हैं पाँच और आएंगे अभी। लेट्स स्टार्ट, खाते हैं अभी, बाद में बात करेंगे। सो गाइस, फोर्थ डे का लास्ट मील, मिल्क 500 ml, हाफ लीटर ऑफ मिल्क एज पर जैसे अजय ने रिकमेंड किया था। और इसी के साथ आज का दिन पूरा होता है डाइट के साथ, और कल का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेट्स सी, कल मेरा कंपनी में इंटरव्यू है, नोएडा जाना पड़ेगा, तो सारा डाइट प्लान मैनेज करना पड़ेगा उसी हिसाब से, क्योंकि घर तो हूँ नहीं, अभी सब पैक करके ले जाना पड़ेगा आज ही, कल सुबह पैक करूँगा। तो देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है, होप फॉर द बेस्ट, इंटरव्यू अच्छा जाए, जॉब लग जाए, एब्स और जॉब साथ साथ। मिलते हैं कल सुबह।